हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। और मेरा नाम है अंशुल। अस्मिन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक वैकेंसी आई है बहुत, जो इस समय चर्चा में है। ये पिछले 2-3 साल पहले, शायद 2018 में आई थी। और ये क्योंकि इस वजह से इसको डिस्कस कर रहे हैं, या इस वजह से भी ये फेमस हो गई है, क्योंकि ये सीजीएल से, एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल और सीएचएस, उनसे इसका सिलेबस मिलता रहता है। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसका जो प्री है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। और इसका जो मेंस है उसके नंबर काउंट होते हैं, और फिर मेंस के बाद एक स्किल टेस्ट होता है। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ आपको। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी की भी, बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस का पोर्शन जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री मैथ में इसमें नहीं पूछी जाती है, तो फिर वो बैंक जैसा ही सिलेबस रहता है। तो सिलेबस थोड़ा सा बैंक जैसा, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल एसएससी जैसा है। इस वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैकेंसी भी बहुत है इसमें, ठीक है। 3-4 हजार के आसपास वैकेंसी है। और ये इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि आप समझें कि जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे जोन वाइज डिवाइडेड होता है, रीजन वाइज डिवाइडेड होता है। तो कुछ रीजन का, सभी रीजन का आप चाहें तो भर लें, या अपने जिस डिजायर्ड जो रीजन हो उसमें आप फिल करें, तो वहां की कट ऑफ अलग लग जाती है, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि जिस भी रीजन में डालेंगे वहां के लिए अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो रजिस्ट्रेशन एक बार कर लें, इसके बाद फिर जहां जहां का चाहें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए कुछ जानकारी इसके बारे में बताते हैं। बहुत हमें तो लगता है कि जो भी बैंक और रेलवे या एसएससी, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनको इसमें करना चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत बम्पर रखी आई हुई है, तो आप लोगों को इस पे करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, एज, सिलेबस, फुल स्ट्रेटेजी और सैलरी सब कुछ बता देते हैं यहाँ। और ये केवल 10-12 ग्रेजुएट लेवल के लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में मैं आपकी आपकी जानकारी देता हूँ आपको। तो पहले नेक्स्ट स्लाइड भी है इसकी। देखिए, ये जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया था वो 28 दिसंबर को रिलीज किया था, और ये बताया था कि 15 जनवरी यानी कल से, 15 जनवरी यानी कल से इसके फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को भर लें, क्योंकि फिर बाद में वो टेक्निकल ग्लिचेस आने लगते हैं जिसकी वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। तो आप 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में कभी भी भर सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि शुरुआत में ही आप भर दीजिए, ठीक है। हाँ, और इसके जो एडमिट कार्ड है, एग्जाम डेट है, वो सब अभी नोटिफाई करना बाकी है, और वो जल्दी ही नोटिफाई करेंगे, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ASIC, जिसमें कि इसका मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये इंश्योरेंस तरीके का, इंश्योरेंस का एक एग्जाम है जो स्टेट इंश्योरेंस होता है, उसका एग्जाम है, और लगभग बैंक के एग्जाम जैसा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी जो भी है वो आगे मैं डिटेल देता हूँ। 3,882 वैकेंसीज टू ESIC रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है। और किसके लिए? यूडीसी, जो आप एसएससी से बहुत सारे लोग बनते हो ना, सीएचएसएल से, वो यूडीसी होता है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके अंदर ये 3 तरीके की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 1769 पोस्ट आर अनाउंस फॉर यूडीसी। यूडीसी के लिए कितनी वैकेंसी है? 1769, और एमटीएस के लिए कितनी है? 1948 है एमटीएस के लिए, और 165 ये इसके अंदर। ये एक ही जगह की नहीं है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग वैकेंसी है। तो आप लोग फिल कर सकते हैं, चाहे तो एक से ज्यादा फिल कर लीजिए, वरना फिर आपको जितने का भरना है उतने का भर लीजिए, ठीक है। पूरी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं कि हम ये क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और अंडर मिनिस्ट्री होता है लेबर एंड एम्प्लॉय, ठीक। तो मैं बता देता हूँ कि रीजन वाइज वैकेंसी आप देख लीजिए, तो पीडीएफ भी डाल दूंगा इसकी, अश्विन प्लेट उसमें टेलीग्राम पे। देखिए, आंध्र प्रदेश में जैसे टोटल 35 है, यूपीएससी की 7 है, 26 एमटीएस की, इंद्रो से होंगे स्टेनो की कम वैकेंसी है, तो दिख भी रही है। सबसे ज्यादा एमटीएस की है और यूडीएस उसकी, यूडीसी की। देखिए, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, बिहार दिल्ली से, तो ये आपके पास वैकेंसी मैंने यहाँ पे लगा दी, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग देख लेते, जहां जहां से आपको डालना हो वहां से डाल दीजिए, तो वरना आप अपने अपने स्टेज से तो डालेंगे, ठीक है। वैकेंसी है पूरी 3,882, तो ये टोटल वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत सारे लोगों को डर बना हुआ है कि एलिजिबिलिटी और एज, इन दोनों चीजों को हम यहाँ क्लियरिफाई कर देते हैं। यूडीसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई बीटेक, कुछ भी हो, एक डिग्री होनी चाहिए वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और एज क्या है? 18 से 27, 18 से 27, ठीक है। स्टेनो के लिए भी सेम है, केवल एमटीएस में 18 से 25, ठीक है। और ये आपकी जो डेट रिकॉग्नाइज करी जाएगी वो कब से?
15 फरवरी और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो लोग लास्ट ईयर में है या जो जो ये डाउट रहता है कि हमारा कब से अभी हमारा नहीं हुआ है, लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए कि 15 फरवरी के पहले पहले आपका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए, अनाउंस हो जाना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये यूजीसी के क्राइटेरिया थे। फिर आगे क्राइटेरिया है एमडीएस, एमडीएस क्राइटेरिया क्या है कि वो 10th पास, ठीक है ना, 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट इसके लिए 18 से 25, संविदा के लिए 18 से 25, 18 से 25 इसकी एज लिमिट है। इसका भी सेम वही कि 15 फरवरी तक आपका हो जाना चाहिए एज भी, और 15 फरवरी तक ही आपका हो जाना चाहिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इसी तरीके से स्टेनो का क्या है, यहाँ पे स्टेनो के लिए 12, यदि 12th पास है आप इसके लिए फिल कर सकते हैं, और 18 से 27 इसकी एज है, और इसमें 15 फरवरी वही सेम जो तीनों दो मिनट पीछे बताया वही की एज 15 फरवरी से काउंट करी जाएगी, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 15 फरवरी के पहले होना चाहिए। स्किल टेस्ट होगा किसमें, इसमें स्टेनो में, उसमें डिक्टेशन 10 मिनट की होगी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, अब स्टेनो का आप लोग जानते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट, फिर 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी के लिए मिलेंगे, और नियम कंप्यूटर्स, ये सब जानकारी स्टेनो के आप देख सकते हैं। जो इन दो स्टेज में होगा, पहले तो प्रीलिम्स होगा कि यूडीसी और एमटीएस के लिए, यूडीसी और एमटीएस के लिए, यूडीसी और एमटीएस के लिए। तो अब इसके बारे में देख लीजिए, बिल्कुल एसएससी जैसा पैटर्न, इसी वजह से मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूं, जो एसएससी वाले लोगों को जरूर फेल करें, कि जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग बोलते हो वो 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि सीजीएल एसएससी के सभी प्री एग्जाम्स में सेम होता है, 50 नंबर का 1 घंटे का समय, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, उसी तरीके से क्वांटिटेटिव रिपीटिव 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के, मतलब 100 क्वेश्चन में 200 नंबर के, 60 मिनट में करनी है, और ये पूरा सिलेबस आपका देखा हुआ है किसका है, एसएससी का पैटर्न है एसएससी का। लेकिन ये जो मैथ्स आएगी ना वो बैंक की है, बैंक जैसी है, बैंक की नहीं, बैंक जैसी, मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री और जो बेसिकली एडवांस मैथ होती है इसमें आती है, एडवांस एडवांस के मतलब एलजेब्रा वगैरह आती है, नंबर सिस्टम आता है, लेकिन ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखने को पिछली बार नहीं मिले थे, तो वो थोड़ा सा बैंक का टच रहता है, तो ये आपके इजी पड़ेगा, एडवांस कम रहेगी और एसएससी के पैटर्न पे। और ये क्वालिफाइंग, ये क्या होगा, क्वालिफाइंग जो प्लेस होगा, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। फिर होगा फेज टू जिसमें की मेन्स एग्जाम होगा, बस कुछ नहीं, सिलेबस वही रहेगा, बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 50 50 रहेंगे, ठीक है, और नंबर भी 50 से है, मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर, और यहाँ पे टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा, टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा, इससे नंबर ऐड होंगे। और इसके बाद इससे एक और चीज होती है स्किल टेस्ट, किसमें, यूडीसी में स्किल टेस्ट में, अभी आगे स्क्रीन दे, अब जो ये है ये स्टेनो के लिए, स्टेनो के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें क्या है, इंग्लिश इन्होंने पूछी, जैसे एसएससी में पूछता है 100 क्वेश्चन 50 मार्क्स, फिर क्या है रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के होंगे, फिर जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मैक्सिमम मार्क्स के होंगे, 25 मिनट मिलेगा आपको, 100 मिनट मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 200, और यहाँ पर घंटे आपको कितने मिलेंगे 2 घंटे, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन वाइज मिलेंगे, तो बैंक जैसा सेक्शन बैंक जैसा, लेकिन एग्जाम बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पे, ठीक है। और इसमें फिर उसके बाद फिर जो मेंसिल टेस्ट होगा, इसकी टेस्ट में आप देख लीजिए, मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देख लीजिए क्या होता है, पहले डिक्टेशन बोला जाएगा फिर उसी पे टाइपिंग कर देंगे। इसकी कट ऑफ तो मैंने पिछली बार जो 2018-19 में आया था उसमें कहीं कहीं किसी किसी रीजन का था, डिपेंड करता है कि रीजन में क्या गया होगा, तो रीजन में कहीं 140 गया था, कहीं 170 गया था, मतलब 140 से 170 के बीच में कट ऑफ रहती है यूआर में, और बाकी कैटेगरीज की कम रहती है। तो आप देख लीजिए कि 100 एसएससी में भी तो आप 150 साठ करते हैं, नदी करके कहीं कहीं का सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे भी इसका पेपर उसकी कंपेरिजन में ज्यादा बेहतर होता है, तो ज्यादा ठीक होता है, यहाँ पे अच्छा स्कोर करेंगे आप, और प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, जो हम अभी मैथ्स करा रहे हैं वो आप मैथ्स करते रहेंगे, जो एसएससी की और सीएसएल और सीजीएल के पेपर्स करा रहे हैं, तो बाद में आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। उसके लिए आप क्या करें, करें कि जैसे आप लाइव नहीं देख पाते तो बाद में देखिए डबल एक्सेस लगा के, और बाद में सोते सोने से पहले या किसी भी टाइम लगा के देख लीजिए, तो आपको एक आइडिया देता रहेगा बार बार कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस में इंग्लिश बिल्कुल एसएससी पैटर्न में कोई दिक्कत ही नहीं है,
इंग्लिश के लिए जो भी करते हो आप, चाहे वो एसोसिएशन की क्लास करते हो उनकी क्लास नोट में, या फिर एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर आती है, ठीक है, वो सब कर लेंगे। इंग्लिश के लिए इतना कर लेंगे बहुत है, और ज्यादा कुछ करना है आपको तो एक और या नीतू मैना की एक आती है, इन दोनों में दोनों सिमिलर होते हैं, नीतू मैना की आती है वॉल्यूम, वो कर लीजिए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर एसएससी के प्रीवियस ईयर कर लीजिए बहुत है। उसके बाद मैथ में, मैथ में आप इसी का प्रीवियस ईयर कर दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर कर लीजिए बहुत है, मोर देन सफिशियंट है, चाहे वो किरण से कर लीजिए, चाहे फिर राकेश यादव से, ठीक है, उसमें से ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को करने की जरूरत नहीं, ठीक है, मैथ्स को और मॉक टेस्ट देना आपको, ये हमारी क्लास में कर सकते हैं ना, क्लास में प्रोवाइड भी करेंगे बेसिक क्लास के लिए, मैथ्स हो गए, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं आप, रीजनिंग कुछ एसएससी और बैंक भी जैसी होती है, ठीक है, तो आप इसके प्रीवियस ईयर का ले लीजिए, किरण के लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए बस, बाकी आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका बहुत सारी चीजें क्लियर, ठीक है, रीजनिंग, और फिर जीएस का जो पार्ट है उसमें आप कर लीजिए, करें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप कर सकते हैं लूसेंट की एक आती है जीएस, ठीक है, इतना कर लीजिए आप, मोर देन सफिशियंट है, और एक सौ मॉक जरूर देते रहिए, मॉक जरूर देते रहिए, तो आपका स्पीड इंप्रूव रहेगा, क्योंकि एक घंटे में आपको कोशिश करना है, तो मॉक जरूर देते, ठीक है, फिर आगे ये ₹250 महिलाओं के लिए, ठीक है, और पुरुषों के लिए 500, वैसे भी आप लड़कों से ज्यादा ही कह रहे थे, तो ये 500 और 250 वहां पे फीस पड़ेगी, और वो भी जितने भी जगह पे, मान लीजिए कई रीजन में करना चाहते हैं तो अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, और अलग अलग फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, रजिस्ट्रेशन तो एक बार हो जाता है, और जो अपर डिविजनल क्लर्क या एक्सटर्नल प्रॉपर है उनकी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सैलरी बिना सैलरी कुछ काम नहीं करते हो आप, तो 25,500 और 81,100 के बीच में आपका रहेगा, लेवल 4 की जॉब है, और इसी जो शुरुआत सैलरी बनती जाके 35,000, ठीक, लगभग 35,000 के आसपास सैलरी बनती है, और जो ये एमटीएस वाले हैं ये भी कम नहीं बनती है, लगभग 27,000, ठीक है, 27,000 से 28,000 के आसपास बनती है, तो ये सैलरी भी अच्छी है, और इस तरह की कोरोना में या फिर इस तरह की कोई कॉम्पिटिशन में कुछ भी खराब नहीं, और बहुत अच्छा है, हर महीने जब आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है आपके अकाउंट में आती है तो फिर बहुत अच्छा। इसमें ये बात मैंने पहले बता दी है कि एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्टेड, हाँ, ये कब से शुरू होंगे, 15 जनवरी से, ये बात पहले बता दी गई, और सिमिलर टू एसएससी एग्जाम्स जो एसएससी वाले हैं उनके लिए बिल्कुल रिव्यू है, बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके लिए, पेपर्स पिछले देख लेने, और स्पीड इंप्रूव करनी है आपको, ठीक है, और जो आप लोग चाहें तो मॉक टेस्ट देते तो रहेंगे, मैथ्स के लिए मैं एक चीज आपको कहूंगा कि हमारे जो अश्विन क्लासेस में मैथ हमने पढ़ाई है, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल, ये दोनों की मैंने मैथ कराई हुई है, प्रोसेस लगातार करा रही है, तो आप उनकी वीडियो को देखो, ठीक है, यूट्यूब फ्री में अवेलेबल, ठीक है, तो वो देखते रहिए, और बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप नीचे कमेंट में करिएगा, तो फिर आपको बता देता है, बाकी एसएससी से रिलेटेड है तो आप लोग जरूर करें, बहुत अच्छा मौका है ये, आप 15 तारीख कल से या आप अपनी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को इन्हांस करिए, बढ़ाइए, और वीडियो देखते रहिए मैथ्स के, हमारे और इंग्लिश के सर पे जो आते हैं, तो उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है, कभी भी आप उसको देख सकते हैं, और इस वैकेंसी में आप फिल जरूर करिए, सिलेक्शन लीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक 2022।